जय हिंद साथियों, आज हमने गणित शिक्षण की एक स्पेशल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर गणित के महत्वपूर्ण सवाल के साथ साथ गणित शिक्षण होगी। ये गणित शिक्षण एनसीईआरटी का निचोड़ होगा। और आपको भी पता है कि अगर आपको सीटेट, डीएसएसबी, केबीएस में बेहतर अंक अर्जित करने हैं, सिलेक्शन लेना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको शिक्षण, जिसे पैडागॉजी की सीरीज कहते हैं, आज एनसीईआरटी की सीरीज में जो शिक्षण गणित आज हम आगे पढ़ेंगे, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और आज ही आपका गणित शिक्षण संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। अब आप सभी साथी कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहां पे आपको महत्वपूर्ण लगे कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है, उसे आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ई लर्निंग भी दुर्गेश के ऐप पर भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेस आप सभी के साथ, सीटेट की स्पेशल सीरीज, जहां पर हम आपके साथ मिलकर गणित शिक्षण की एक बेहतर सीरीज पढ़ेंगे। ये सीरीज सिलेक्शन के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने हल किया होगा, या इसके पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ से हूबहू मिल जाएंगे। मैंने अगर आपने यहाँ से पढ़ा, तो आपको जवाब के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना बेहतर दें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। इसके पहले हम लोगों ने काफी की पॉइंट पढ़ लिया था, जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि जो अंकगणित है, अगर हम बात अंकगणित की करें कि जो अंकगणित है, इस अंकगणित की कितनी संक्रियाएं होती हैं, एक ऐसा प्रश्न है जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और आप ये जवाब दीजिएगा कि अंकगणित की कुल कितनी संक्रियाएं होती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, फटाफट कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा कि अंकगणित की कितनी संक्रियाएं होती हैं। इसका जो उत्तर होगा वो आप सभी को पता है, इसका उत्तर 4 है। कि अंकगणित के जो संक्रियाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आपने एकदम सही पाया कि जो अंकगणित है इसकी संक्रियाएं 4 है। अगर हम इन चारों संक्रियाओं के बारे में बात करें कि चारों संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो आपने कहा सर जोड़ है, घटाव, गुणा, भाग। लेकिन यहां पर भी दिया गया है, जोड़ को हम योग कहते हैं, गुणा को इस तरह से चिन्ह, ये हो गया भाग का चिन्ह, ये हो गया व्याकलन। व्याकलन माने घटाव होता है, व्याकलन माने घटाना होता है। तो ये सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी यूनिक है। हम ये चाहेंगे कि जितने भी साथी इस वीडियो को इस सीरीज में लाइव देख रहे हैं, वे फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो काफी चीजें नोट करना होगा आपको। तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होंगी। आगे हम बात करते हैं आपके साथ मिलकर कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई पढ़ाने हेतु कौन कौन सी श्रेणी क्रम होती है। तो पहली बात तो जान लीजिएगा, कोई भी पैमाना अगर आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो एक बात यूनिक जान लीजिएगा, सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रमाणिक माप पढ़ाएंगे। जैसे सोहन बड़ा है कि मोहन बड़ा है, ये कलम बड़ी है कि ये कलम बड़ी है, इस तरह से जिसका कोई पैमाना राम की किताब मोटी है कि सीता किताब मोटी है, तो इस तरह से छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, ऊंचा खाला, मतलब जिसका कोई प्रमाणिक माप नहीं होगा। उसके बाद प्रमाणिक माप की तरफ हम बढ़ते हैं, मानक माप की तरफ बढ़ते हैं। अगर यही सवाल हिंदी शिक्षण में आएगा कि पहले मातृभाषा में शिक्षा देनी है या मानक भाषा में, तो मातृभाषा में देनी है और मातृभाषा के सहारे ही मानक भाषा का शिक्षण करना है, माने मातृभाषा के बाद मानक भाषा का प्रयोग करना है। ये हिंदी शिक्षण में ऐसे सवाल आते हैं। ये दोनों विषयों के सवाल जो था हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आपके साथ मिलकर अगले टॉपिक पर। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा, ऐसी सीरीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज दोनों पर उपलब्ध है। अगला है कि इसमें देखा जाए क्या क्या, पहले तुलना करना, मोटा पतला, छोटा बड़ा, खाला ऊंचा, फिर अप्रमाणिक माप को, किसका घर दूर है, फिर प्रमाणिक माप कितना किलोमीटर, कितना मीटर दूर है, फिर इसकी इकाई मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, माने ये 4 ऐसा क्रम है। इन क्रम को इसी तरह सजाना है जिस क्रम में आप सभी के सामने है, ठीक है। जितने इस वीडियो को देख रहे ध्यान से समझिएगा, माने इसी क्रम में आपको सजाना है जिस क्रम में यहां पर दिया गया है। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाने, एक बार शेयर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये निःशुल्क क्लास देशित में राष्ट्रित में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने देखा कि कक्षा चार, यहाँ पे कक्षा चार की बात हो रही है, सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं को वृद्धि हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, बिंदु शीट या डॉट पेपर का, व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होती है। माने कक्षा चार में सममिति पढ़ाना है, परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि होती है, हम बिंदु शीट या डॉट पेपर व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे कि कक्षा दो के छात्रों को हासिल वाले दो संख्याओं के योग में कठिनाई होती है। इसका कारण बच्चों में पुनः समीकरण की प्रक्रिया का सचमुच क्या है, अभाव है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ। आगे है कि गणितीय कक्षा में संप्रेषण उल्लेख गणित विचार में सुव्यवस्थित संचित व स्पष्ट करना चाहिए। संप्रेषण का मतलब, जैसे अगर प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मुझे ही पढ़ा रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको समझ में आए, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है वो वापस आप हमसे पूछ सकें। इसका भी सुव्यवस्थित संचित स्पष्ट विचार हमें आपको करना चाहिए। माने यह काफी महत्वपूर्ण है, यह काफी यूनिक है, इसलिए इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे हमारे सामने है दो विषम संख्याओं का और एक सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगी। ऐसे प्रश्नों को तुरंत आप क्या करेंगे, कॉपी कलम से हल कर लेंगे कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या। दो विषम संख्या मतलब जैसे मान लेते हैं कोई तीन हो गई, एक पांच हो गई, और सम संख्या छह होगी, मान लें पांच तीन आठ छह चौदह, तो क्या आएगा, हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। ऐसे सवाल अगर परीक्षा में आए, अपने मन में कोई एक उदाहरण लीजिएगा, उसे रख देंगे, आपको उत्तर पता चल जाएगा, एक नंबर आपको पके पकाए मिल जाएंगे। कभी कभी आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, उस समय चारों विकल्पों को आपको देखना पड़ेगा, चारों विकल्पों को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा का स्टैंडर्ड बदल रहा है। ऑनलाइन मोड में परीक्षा हो रही है, ऑफलाइन मोड में हो रही है, तो ऐसी परीक्षाएं, ठीक है, तो अगर ऐसी क्लास या ऐसी परीक्षाएं आपके लिए कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। माने गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। एक सवाल आ रहा है कि सर सुपर टेटी क्लास कब से शुरू हो रही है, रेगुलर तो लगातार चल रही है, शायद आप देख ना पा रहे हो तो अलग बात है, लगातार क्लासेस चल रही है, टेलीग्राम पर उसकी लिंक मिल रही होगी और डेली मिल रही है, पूरे दिन क्लास चल रही है, और जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ कि लगातार क्लासेस चल रही है, तो एक बार आप जाके रीचेक करिएगा अपना टेलीग्राम, शायद आपको जवाब मिल जाए। तो हमने देखा कि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। छात्रों द्वारा गणित संप्रत्ययों को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रक्रियाओं को गणित विशेषणात्मक कहा गया। माने कभी कभी क्या होता है, बच्चे गणित की कक्षा में गलती करते हैं, संप्रत्ययों को हल करने के दौरान जो गणितीय संप्रत्यय है तो वह विशेषणात्मक कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो सीखने की पहल है। ऐसा नहीं कि बच्चों को निकाल दीजिए, बाहर कर दिए, गलती करना स्वाभाविक सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक साथियों, इस बात को भली भांति आप लोग जान लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं गणित का पाठ्यक्रम। गणित का पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, तो गणित का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, गणित का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, हमेशा ये सब याद रखिएगा, ये सारे की पॉइंट आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गणित का जो पाठ्यक्रम है ये छात्र केंद्रित होना चाहिए, जो गणित का पाठ्यक्रम है ये बच्चों पे केंद्रित होना चाहिए, ये छात्र केंद्रित होना चाहिए, क्रिया आधारित होना चाहिए, माने जो गणितीय क्रिया है उन पर आधारित होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, मानो मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, तार्किक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, तो जो गणित का पाठ्यक्रम है इन तीन बातों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस बार तो खूब घुमा घुमा के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित जो है ये गणनाओं का विज्ञान है, यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक विकास से, मूल्यांकन का निकटतम जो संबंध है किससे होता है, उद्देश्यों से होता है, ठीक है। तो आप लोग
इसे देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आप सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, सभी लोग एक बार की इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास सुरक्षित रख ले, ताकि जब हम लोग पठन पाठन करें, जब हम लोग आपके साथ मिलकर अध्ययन अध्यापन करें, तो किसी भी प्रकार की न कोई दिक्कत आए, न किसी प्रकार का कोई समस्या आपके लिए आए। जी हाँ, आप सभी लोग हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में 110% आने हैं। अगला है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग सामाजिक स्तर पर होता है। अगर हम बात करें कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग कहां पर होता है, सामाजिक स्तर पर होता है, ऐसा प्रश्न। ठीक है, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों की पृष्ठ पोषण फीडबैक देना है। इसलिए मतलब क्या है कि जो उपलब्धि परीक्षण है, नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर, रचनात्मक मूल्यांकन का, ऐसा नहीं कि कौन नंबर ज्यादा पाया, किसकी राइटिंग अच्छी है, कौन पढ़ने में तेज है, कौन पढ़ने का, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण फीडबैक देना, हाँ ठीक है पहले से बेहतर कर रहे हो, थोड़ा सा और अच्छा करो, नहीं 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 पहले से तो अच्छा है और अच्छा करने का प्रयास करो, माने इस तरह से उन्हें विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, बेटा और अच्छा करो, तुम कर सकते हो, इस तरह से फीडबैक बच्चों को देना है। आगे हम बात करते हैं कि संकल्पना मानचित्र का प्रयोग पाठ की योजना, पाठ की पुनरावृत्ति, पाठ के रूपात्मक आंकलन के लिए किया जाता है। माने संकल्प जो संकल्पना मानचित्र का प्रयोग है, ये पाठ की योजना, पाठ की पुनरावृत्ति, पाठ के रूपात्मक आंकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, माने संकल्पना मानचित्र का प्रयोग कहां किया जाता है, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए, रूपात्मक आकलन के लिए, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके और अगले टॉपिक पर कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना जरूरी है। माने एक अच्छा जो गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाएं जो होती हैं, गणित की जो सभी अवधारणाएं, इनको समझना है, लागू करना और इससे संबंधित जो बनाना जरूरी है कि बच्चों को कैसे आपको सिखाना है, यह भी एनसीएफ 2005 कहता है, रट लीजिएगा। ठीक, कोई बार बार कमेंट कर रहा है सुपर टेडी क्लास कब से रेगुलर होगी, रेगुलर चल रही है, शायद आप वीडियो नहीं देख पा रहे, तो आके जाके अपना टेलीग्राम चेक करिएगा। ठीक है, मैंने अब जवाब दिया, फिर किसी ने कमेंट कर दिया, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है कि छात्रों के जो ऊर्ध्वाधर चौर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है, वे आकृतियां खींचते हैं, कोणों को काटते हैं या मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है, तो छात्र क्या कर रहा है, विश्लेषणात्मक स्तर के वान हिले ने बताया, कौन सा स्तर बताया है, ये वान हिले ने बताया, किसने बताया है, वान हिले ने बताया है। ठीक, आगे देखते हैं, गणित में गणना करने संबंधित कौशल को कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधित कौशल को कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है। तो गणित में जो गणना करने संबंधित कौशल को कक्षा में किसके अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, इसे रट लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि परीक्षा में आपको सवाल आता है और आपको सिलेक्शन लेना है, अंतर्गत तो क्या लेना है, सभी को सिलेक्शन लेना है। आगे सवाल है कि कक्षा 3 के छात्रों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह में देखना, ये स्थानीय मान की सार्थकता को समझाता है। जैसे आपने देखा होगा प्राय परीक्षा में पूछा था सीटेट में कि 11,111 लिखकर दिखाइए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको जानकारी है अथवा नहीं है, उसके लिए है। तो आप लोग सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, सभी तक शेयर कर दीजिएगा। आगे है कक्षा 2 के अबेकस का प्रयोग बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने की गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में सहायक होता है। तो ये लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइएगा, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने की गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने की, जो स्थानीय मान की महत्ता को
समझने में सहायक होता है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। आगे हम आपके सामने फिर से बात करते हैं कि गणित का एक अच्छा अध्यापक या अध्यापिका, गणित का एक अच्छा अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए आकर्षक गुण है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान व समझ की योग्यता होनी चाहिए। माने जो अवधारणात्मक ज्ञान समझ की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। कि कैसा, जैसे हम ये जानते हैं कि एक अच्छा अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ योग्यता होनी चाहिए। जब आप एग्जाम्पल दे रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो, तो हमेशा उनके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए प्राय इसका आप सभी को प्रयोग करना चाहिए। जितने भी साथी इस वीडियो को फेसबुक पे या यूट्यूब पर देख रहे हैं, वे ये चीज जरूर जानते रहे। गणितीय पाठ्य पुस्तक में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना है। क्या है? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना है। आपने देखा होगा कि जब गणित किताबें आपने बचपन में पढ़ी होगी, हर अध्याय 3-4 अध्याय होने के बाद एक दक्षता नामक अभ्यास होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों दक्षता नामक अभ्यास को रखा जाता है? उसका एकमात्र कारण है अभ्यास। तो खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उस पर संक्रियाओं, मानकों का मापना आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माने एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उस पर संक्रियाओं, मानकों का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये लाइन आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा जाता है, इसलिए इन सभी लाइनों को याद कर लीजिए, इन सभी लाइनों को रट लीजिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, केबीएस क्वालिफाई होना चाहते हैं, डीएसएसबी, यूपी टेट, सुपर टेट, उन तमाम जगह पर ऐसे परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, एक सवाल यहां पर आ रहा है बार बार कि अगर कोई भी बालक या बालिका, एक सवाल आया है, अगर कोई बच्चा क्लास में नोट्स बनाते समय बार बार पूछता है कि सर ऐसा क्यों होता है, वो कैसा बालक है, ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब जिज्ञासु बालक है और उसके जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए, उसके जिज्ञासाओं को जवाब देना चाहिए। वो कैसा बालक है, वो जिज्ञासु किस्म का बालक है। ठीक है, आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का सर्वांगीण उद्देश्य संख्यात्मक कौशल का विकास करना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का सर्वांगीण उद्देश्य संख्यात्मक कौशल का विकास करना है। क्या करना है कि उसका विकास हो, उसको रटाना नहीं है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति एक संरचना पर दूसरी संकल्पना बनाने की ओर संकेत करता है। लंबी आकृति का मतलब यहां पे क्या है, कोई बड़ी आकृति नहीं है, इसका मतलब है कि गणित में एक संकल्पना के ऊपर अगली संकल्पना, उस संकल्पना के ऊपर अगली संकल्पना को क्या करना, बनाना की ओर संकेत करता है एनसीएफ 2005। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इसलिए आप लोग रट लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। ठीक है, भुजाओं की संख्या पे आधार पर भुजाओं, बहुभुजों को वर्गीकृत करना, यह वान हिले के ज्यामिति विचार के चाशुषी करण स्तर पर आता है। माने जब बहुभुज को देखकर, मतलब बच्चा आंख से देखकर कर रहा, तो उसे हम चाशुषी करण के स्तर पर होना मानते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कुल कितने आयत हैं। जैसे आप देख रहे, चित्र कोई बना दिया जाए, जैसे आप एक हम डायग्राम क्रिएट कर दे रहे हैं आपके लिए, जाइए मान लीजिए एक मिनट, जैसे हमने मान लीजिए यहां पे आकृति क्रिएट कर दी। अब इसमें हम ये एक लाइन बना दे रहे हैं। अगर ये पूछा जाए इसमें कितने आयत है, जैसे मेरा थोड़ा सा जो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको सही कर लीजिएगा अपने मन में, मान लीजिए सही है, तो क्या करेंगे, तो यह प्रश्न पूछकर जो अध्यापक है छात्र की बोधगम्यता समझ की जांच करता है। क्या करता है, जो बोधगम्यता है उसकी समझ की जांच करता है, उसकी क्या करता है, समझ की जांच करता है कि बच्चा क्या आयत को समझ पाया है या नहीं,
इसलिए नहीं कि इसमें कितने आयत हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, चाहे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, मैं जमा कर या घटा, गुणा कर या भाग, इस तरह के प्रश्न पूछने का मतलब है छात्रों में संक्रियाओं को नहीं समझता। जैसे मैं जमा करूं मतलब मैं जोड़ूं या घटाऊं, गुणा करूं या भाग करूं, जब ये बच्चा नहीं समझ पाता इसका मतलब क्या है, किसका मतलब है कि छात्र जो अंकगणितीय चार संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग मतलब व्याकलन माने घटाना, को अच्छे से नहीं समझ पाया, इसका यही मतलब होता है। तो सभी साथी इस बात को जान लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कक्षा चार का बच्चा रेखीय समीकरण हल करने की क्षमता रखता है, रेखीय समीकरण हल करने की क्षमता रखता है, लेकिन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता। जो शब्द इसमें दिया गया होता है, इस सीटेट की जो शब्दावली है इसको ही मान लीजिए, नहीं कर पाता, तो उस छात्र का पियाजे की मूर्त संख्यात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संख्यात्मक अवस्था कहा जाता है। किसकी? जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। आप लोग इसे रट लीजिएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी यूनिक है आप सभी के लिए। अब हम और आगे चलते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं। आगे है कि गणित कक्षा में, अगर गणित की बात की जाए तो गणित कक्षा में हस्तचालकों का इस्तेमाल गणितीय विचारों को प्रदर्शित करने और गणितीय समझ का निर्माण करने के लिए किया जाता है। अगर हम यहां पे बात करें कि जो गणितीय कक्षा में हस्तचालकों का इस्तेमाल, जो हाथ से काम करने वाली चीजों का इस्तेमाल गणितीय विचारों को प्रदर्शित करने और गणितीय समझ का निर्माण करने के लिए किया जाता है, यह रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लिंक सीट का प्रयोग सर्वांग क्षमता के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए, समरूपता के प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। लिंक सीट का जो प्रयोग है यह सर्वांग क्षमता के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए, समरूपता के प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ये लाइन टू लाइन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी लाइन आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आर्यभट्ट ने पाई का मान प्रस्तावित किया था, किसका? यहां पर देखिए, आर्यभट्ट ने पाई का मान, नहीं है ये पाई नहीं है, ये आर्यभट्ट ने, ये देखिए यहाँ पे एरर है। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिए कॉपी में, इसको आगे बताएंगे, मुझे दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है, ये पाई भी नहीं है। आगे, प्रोजेक्ट विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। जो प्रोजेक्ट विधि है ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। गणित में सूत्रों को स्थापना के लिए संश्लेषण विधि है, माने अगर सूत्र के हिसाब से हल करना है उसके लिए संश्लेषण विधि है। कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि है। उद्देश्य कथन का संबंध प्रकरण व नवीन ज्ञान से, जो उद्देश्य कथन का संबंध है ये उपकरण व नवीन ज्ञान में है। किसमें है? उपकरण में और नवीन ज्ञान में। मूल्यांकन जो उपागमों में शिक्षण उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है, मूल्यांकन उपागमों में शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां सबके परीक्षा में सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के केंद्रीय पद्धति की तीन माप होती है, अवर्गीकृत आंकड़ों की केंद्रीय पद्धति की तीन माप होती है, माध्यम, मध्यिका और बहुलक। ठीक है, सभी लोग इसे रट लीजिएगा, माध्यम, मध्यिका और बहुलक। एल्गोरिज्म किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, एक के बाद एक, यह बच्चों को तर्क और समझ नहीं विकसित कर सकती, यह बच्चों में तर्क और समझ नहीं विकसित करती, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अमूर्त विशिष्टीकरण एवं व्याकरणीकरण गणित विषय की समझ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो अमूर्त विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण ये गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और जानते रहिएगा। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम, बीजगणितीय सूत्र का जो अधिगम है ये व्यापीकरण है। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम व्यापीकरण है, माने बहुत ज्यादा है। ठीक है,
आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु तो प्रतिक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान जरूरी है। प्रतीकात्मक ज्ञान होना चाहिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान हो या अवधारणात्मक ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते चलिए, देखते चलिए, क्योंकि काफी यूनिक चीजें हैं जहां से परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं। देखो सुनो समझे के सिद्धांत पर आधारित कौन सी है? प्रदर्शन विधि। देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि है। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि के जनक कौन है? रोनाल्डो सर है। ये पूछा जाता है, प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि के जनक रोनाल्डो सर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में आपके सवाल पूछा जाता है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य है, जिन्होंने LLM लघुत्तम LCM लघुत्तम समापवर्तक निकालने की प्रचलित तरीके का वर्णन किया है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, जिन्होंने LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल विभाजन का प्रयोग रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विभाजन का जो प्रयोग किया जाता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आइए बात करते हैं जियो बोर्ड की। ज्यामिति 3D आकृतियों की पहचानने में, 3D आकृतियों में लंब सतह, कोना, किनारों को ज्ञात करने में, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने में, माने 2D में दो होती है लंबाई चौड़ाई होती है, 3D की बात करें तो उसमें ऊंचाई भी आ जाती है या मोटाई कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको कॉमन है, ये सभी को पता होनी चाहिए। ये जियो बोर्ड में था और जियो बोर्ड ज्यामिति की 3D आकृतियों को पहचानने में, ठीक है, आप लोग रख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वैसे इसकी नोट्स आप लोगों को इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर होगा, जो प्ले स्टोर से आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखा है। आगे है आपके सामने कि ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट, दशमलव संख्याओं में इसका प्रयोग, दशमलव संख्याओं की तुलना करने में, दशमलव संख्याओं को शून्य से स्थानीय मान की संख्या बताने में, स्थानीय मान की महत्व बताने में प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट एक सवाल यहां से जरूर पूछा जाएगा और हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए। दशमलव संख्याओं में इसका प्रयोग, दशमलव संख्याओं की तुलना करने में, दशमलव संख्याओं को शून्य के स्थानीय मान की संख्या बताने में, स्थानीय मान की महत्ता बताने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के बारे में हम लोग जान लेते हैं आप लोग के साथ मिलकर कि 3D आकृतियों के क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफलों की तुलना करने पर संख्या सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लेखपाल व इंजीनियर ग्राफ पेपर का ही उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डार्ट पेपर, बिंदु सीट, बिंदु पटल। ठोस आकृति बनाने में, सम्मिलित आकृति पहचानने में, आकृति का मिलान करने में, परावर्तन में आकृति बनाने में इंजीनियर भी इसका प्रयोग करते हैं। डॉट पेपर, बिंदु सीट, बिंदु पटल, यहां से भी परीक्षा में आपके सवाल आते हैं, तो ये भी आप अपने पास चाहे स्क्रीनशॉट तौर पर रख सकते हैं। डाउंस ब्लॉक, जोड़ने में, घटाने में, संख्याओं में गिनती सीखने में, जोड़ने में, घटाने में, संख्याओं में गिनती सीखने में डाउंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। चौपड़ या चौरस, खेल खेल में पढ़ाना, खेल विधि द्वारा पढ़ाना, ये चौपड़ चौरस, खेल खेल में पढ़ाना, खेल विधि द्वारा पढ़ाना, डाउंस ब्लॉक क्या है? जोड़ने में, घटाने में, संख्याओं की गिनती सिखाना, ये डाउंस ब्लॉक कहलाता है। वैन हिले का ज्यामिति विचार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैन हिले पति और पत्नी, आइए जानते हैं इनका वैन हिले का ज्यामिति विचार क्या था। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर से पूछा जाता है। हमने देखा कि जो वैन हिले हैं, इनका स्टेज फर्स्ट, स्तर फर्स्ट क्या होता है? चासूसीकरण, मानसिक चित्रण, दृश्य, इसे लेवल 2, ये प्राथमिक स्तर है, माने दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत या वर्गीकरण करना, चित्र चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है, आयत है, तो दिखावट के आधार पर है। लेकिन जब बच्चा इसमें विश्लेषण करना लगे, जब बच्चा इसे अलग करके बताए, ये स्टेज 2 में आ जाता है, इसे हम विश्लेषण अर्थात लेवल 2 कहते हैं, माने गुण के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत करने लगता है, ये समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो जब बच्चा इस तरह से इसको अलग करना शुरू करे तो स्टेज 2 में पहुंच जाता है, मतलब विश्लेषण करने लगता है, पहचान करने लगता है, जानने लगता है, पहले भुजा के आधार पर, फिर उनके गुण के आधार पर। अब हम और आगे देखते हैं,
स्टेज थर्ड में क्या होता है, अनौपचारिक निगमन, अमूर्त, माने इसमें लेवल दो की बात करें तो माध्यमिक स्तर में कक्षा 6 से लेकर 8 तक आकृति को देखकर परिभाषित करना अर्थात सूत्र ज्ञात करना। जैसे क्षेत्रफल देखा जाए यहाँ पे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह का। स्टेज 4 औपचारिक निगमन, ये लेवल थर्ड इसके अंतर्गत आता है, ये उच्च माध्यमिक स्तर पर। अगर 9-10 की बात किया जाए, माने विभिन्न प्राकृतियों में देखकर उनके परिभाषाओं, प्रमेयों, उपप्रमेयों में संबंध स्थापित करना सीख लेता है, सिद्ध करना जान लेता है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि वानहिले से सवाल आते हैं तो लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन यह आपके परीक्षा में जरूर आएगा, 1 नंबर फिक्स पूछा जाता है, तो यहां से गलती मत करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। आगे हम लोगों ने देखा कि गणितीय सोच, अभिसारी बंद अंत वाले प्रश्नोत्तर, अपसारी खुले मुक्त अंत वाले प्रश्न, इनके बारे में दोनों को देख लेते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में बताया है, ये भाषा में भी आते हैं और गणित शिक्षण में भी आते हैं, पर्यावरण शिक्षण में भी आते हैं। हम बात करते हैं अभिसारी चिंतन, आपके साथ मिलकर हम बात करते हैं किसकी, अभिसारी चिंतन। माने यदि किसी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास केवल एक तरीका मौजूद हो तो समस्या को केवल एक ही तरीके से हल कर सकते हैं, तब वह अभिसारी चिंतन कहते हैं। इसे हम बंद अंत उत्तर वाले प्रश्न भी कहते हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए ताजमहल कहाँ है, इसका एक उत्तर है तो यह अभिसारी चिंतन होगा, अर्थात ताजमहल आगरा में है, ठीक, इसका केवल एक ही उत्तर है। हम और आगे बात करते हैं, अगर हम अभिसारी चिंतन की बात करें, जैसे आप लोग यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा इसको समझाने के लिए, जैसे अगर हम अभिसारी चिंतन की बात करें तो इसमें क्या होता है, यदि किसी समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके हो, क्या हो, हल करने के कई तरीके हो, या किसी समस्या को हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे अगर हम यहां पे बात करें अभिसारी में, अगर यहां अपसारी हो गया, अभिसारी में बात करें तो अगर 8 × 3 करेंगे इसका एकमात्र उत्तर होगा 24, लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, गुणनफल कितना है 24 है, तो बताइए कमेंट करके क्या होगा। कोई बच्चा 6 × 4 बताएगा, कोई 12 × 2 बताएगा, कोई 24 × 1 बताएगा, कोई 8 × 3 बताएगा, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग बच्चे बताएंगे, इसे कहते हैं खुले अंत या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर पर्यावरण में पूछ दिया जाए बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा, परीक्षा के सारे बच्चे इसको बता लेंगे, ठीक। अब हम बात करें बंद अंत वाले, अगर यहां से पूछ लिया जाए कि पेड़ के 5 फायदे बताइए, तो ये बंद अंत वाले प्रश्न हो गए। तो ऐसे तथ्यों को, आपको चीजों को याद रखना होगा, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे है जैसे निबंध लिखना, ये अपसारी चिंतन में आता है। सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है, सृजनशीलता में मौलिकता का गुण पाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक चिंतन नियमों के उदाहरण है, मुक्त अंत वाले समस्या हल अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपके परीक्षा में यहां से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग पे दुर्गेश पर जाइएगा, वहां पे आपको सारी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश है। बात करते हैं गणितीय संक्रियाएं, तो यहां पर हमने जोड़ घटाव गुणा भाग देख लिया था। प्राथमिक स्तर पर शब्दों द्वारा गणित सिखाते हैं, इकाई, दहाई, माने 3 दहाई, 5 काई, स्थानीय मान की अवधारणा है। स्थानीय मान की अवधारणा नहीं जानता है तो बच्चा क्या करेगा, जैसे इकाई दहाई के पास दहाई लिखता है, अगर नहीं लिख पाता है तो इसका मतलब वह स्थानीय मान नहीं जानता है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे पहले बताया था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप सभी के लिए। यहाँ पे देखिए सामूहिकीकरण क्या है, माने स्थानीय मान का धारणा नहीं जानता जब समूह करके करे। यहाँ पे देखते हैं एक प्रश्न है कि पुनर्सामूहिकरण, माने हासिल गलती करना पुनर्सामूहिकरण में होता है या हासिल करने वाले प्रश्न में होता है। ये गलती सामूहिकरण में नहीं होता और पुनर्सामूहिकरण में हो जाता है। सवाल आता है कभी कभी कि बच्चा जोड़ने में हासिल में गलती करता है तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिकारी में क्या आता है, जैसे 27 + 38 = 55 है, 37 + 40 = 67 है, -2 कर दिया जाए 65, ये क्या है, प्रतिकारी है। प्रत्यक्षकरण क्या होता है, 10 + 15 = 25,
समृद्धिकरण क्या होता है, 2 kg प्लस 10 kg 12 kg, माने यहां पे तीन प्रकार के एग्जाम्पल है, तीनों प्रकार का ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाद में ये मत कहिएगा सर यहां से परीक्षा में सवाल आया आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था, काफी यूनिक प्रश्न है जो बार बार आपके परीक्षा में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए कोई गलती लिखा तो कोई बात नहीं, त्रुटि छोटी मोटी त्रुटियां माफ होती है ना। स्टेज 5 की अच्छा बात करें, वहां देखिए एक पेज आगे पीछे हो गया था, ये वान हिले वाला पेज है, यहाँ पे दृढ़ता या कठोरता लेवल 4 में उच्च स्तर पर 11-12 कॉलेज स्तर पर है। ज्यामिति की अमूर्त धारणाओं को समझना, अपने प्रमेय के आधार पर गणित की प्रकृति सरल सुदृढ़ तार्किक क्रमबद्ध करना। गणित का महत्व जान लेते हैं, सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं गणित के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये देख लेते हैं, गणित का महत्व प्राथमिक स्तर पर सामाजिक या व्यावहारिक, उच्च स्तर पर मानसिक गणित का महत्व हो जाता है। गणित शिक्षण का उद्देश्य अगर हम बात करें, अगर हम आपसे गणित शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, तो सिर्फ 2005 के अनुसार बच्चों की जो सोच है उनका गणितीय रूप देना, अगर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य अगर हम लोग पढ़े या जाने, तो यहां पर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की सोच को गणितीय रूप देना होगा। हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर क्या है आइए ध्यान से देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशलों का विकास, माप तौल के इकाई का विकास, गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग का विकास, मूर्त से अमूर्त का विकास, माने प्राथमिक स्तर पर जो स्टेज है शिक्षण का उद्देश्य, ये 4 प्रमुख उद्देश्य है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। इसी गलती मत करिएगा जितने भी साथी देख रहे हैं। अगर उच्च स्तर की बात करें तो गणना संबंधित कौशलों का विकास करना, अमूर्त से मूर्त की तरफ विकास करना, परिकलन करना, विश्लेषणात्मक और संयोजन करना, इसको भी आप चाहें तो अपने पास स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं। आगे है गणित पढ़ाने का तरीका, ELPS। ELPS के बारे में जानते हैं, सबसे पहले ठोस वस्तुओं का अनुभव कराना, ठोस वस्तुओं के प्रयोग का में वार्तालाप करना, चित्र दिखाकर अवधारणाएं बताना, चित्रों का बोधन कराना। ई माने अनुभव, ई का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि ई का मतलब क्या होगा, एल का मतलब क्या होगा भाषा लैंग्वेज, पी का मतलब होगा पिक्चर चित्र, चिन्ह संकेत यहां पर होगा चिन्ह संकेत। तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके ई का मतलब क्या होगा, बहुत आसान है और आप लोग को पता भी होना चाहिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। गणित की भाषा की अगर हम बात करें तो गणित स्वयं एक भाषा है जो चिन्ह और नियम पर आधारित है, गणित स्वयं एक भाषा है जो चिन्ह और नियम पर आधारित है, गणित में दूसरी भाषा की आवश्यकता नहीं है, गणित का भाषा है स्वयं। ई फॉर एक्सपीरियंस सही है, अनुभव, ठीक है एक्सपीरियंस अनुभव। ठीक, सिंबल यहां पर यस है, सिंबल माने चित्र संकेत। गणित में दूसरी भाषा हो सकता नहीं, गणित स्वयं क्या है अपनी एक भाषा है। गणित में भाषा में पद पत्र सूत्र सिद्धांत आदि आते हैं, अगर गणित के भाषा के अंग देखा जाए तो पद है प्रत्यय है सूत्र है सिद्धांत है आदि पर आते हैं। गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों की जांच का गणितीकरण करना, प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बच्चों को सिखाना, उच्च स्तर पर उन्हें सूत्र आदि के बारे में अवगत कराना, यह एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल। आगे हम लोग देखते हैं कि पैटर्न श्रृंखला, पैटर्न श्रृंखला पहेली, यह विद्यालय पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। पैटर्न गणित का ऋण होता है, जो पैटर्न होता है यह गणित का ऋण होता है। पैटर्न पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना, जैसे मैंने लिख दिया, अगर मैं पूछूं इसके बाद क्या आएगा तो आप तुरंत कहेंगे सर इसके बाद 16 आएगा, यही आपका पैटर्न है, माने बच्चों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना। पैटर्न के 3 प्रकार होते हैं, एक चिन्ह वाला होता है, अंक वाला होता है, अक्षर वाला होता है। ये मैंने अंक वाला बता दिया, अक्षर वाला क्या होगा जैसे यहां पर
यहाँ पे क्या आएगा, तो ये अक्षर वाला हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि जो पैटर्न के प्रकार होते हैं, ऐसे भी सवाल आपकी परीक्षा में, गणित शिक्षण में, गणित में आपके जरूर पूछा जाएंगे, खासकर जब हम बात सीटेट की करते हैं। अब हम देखते हैं पैटर्न का लाभ क्या है। गणित को रुचकर व आनंदमयी बनाना, पैटर्न में क्या होता है, गणित को रुचकर बनाना, आनंदमयी बनाना। गणित में क्या है, रुचकर बनाना है, आनंदमय बनाना है। गणित को प्रतिदिन के विचारों से जोड़कर रखना है, ठीक। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना, जो गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को पैदा करना, गणितीय संचार का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, जो समस्या समाधान है इसके कौशल का क्या करना, विकास करना। तो पैटर्न के जो लाभ थे वो भी मैंने एक एक करके क्रमवार रूप से आपको बता दिए, समझा दिए, ताकि यहां से भी आप काफी बेहतर कर सके और परीक्षाओं में ज्यादा अंक लेकर आ सके। अगर हम बात करें आगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणित का महत्व क्या है, मैंने पैटर्न के लाभ क्या क्या हो गए, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, खासकर जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो इसकी महत्व काफी बढ़ जाती है। हमने यहां पे देखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणित का महत्व, यही ध्यान से देखते हैं। गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे, गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे, विचार व कार्य करने की आजादी, विचार व उनके कार्य करने की आजादी दे, दूसरे की भावनाओं व कल्याण के प्रति संवेदनशीलता हो, नई परिस्थितियों में लचीले रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना, लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं में भागीदारी हो, बच्चों के अनुभव को महत्व देना। ये हर एक लाइन आपके परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं यार क्या पढ़े सर, क्या पढ़ाया जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये वही चीजें पढ़ा रहा हूं जहां से आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं, जहां से आपके परीक्षा में गणित शिक्षण आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, लगभग ये समापन की तरफ है। अब यहां पर है कि गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के निम्न बातों पर बल देता है। क्या क्या, बच्चों में गणितीकरण की क्षमता का विकास करना, बच्चों के अंदर गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, बच्चों के किसी भी स्थिति में गणित की भाषा में विचार करना सीखे, गणित के साधनों व तकनीकी का उपयोग करना, चित्र बनाना, चरों का चुनाव, समीकरण या असमीकरण बनाना, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तो यहां पे हमने देखा कि बच्चों के किसी भी स्थिति में गणित की भाषा में विचार करना सिखाया, कि बच्चे गणित की भाषा में क्या कर सके, विचार कर सके, गणित के साधनों तकनीकी का उपयोग करना, चित्र बनाना, चरों का चुनाव करना, समीकरण या असमीकरण बनाना, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। एनसीएफ 2005 के रचनावाद क्या क्या चीजें हैं, आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो लोग अभी तक ऑन टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हों, वो सभी टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाएंगे। यहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क मिलेंगी, तो आप लोग वहां पे जरूर जुड़िएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी वहां पे डाल देंगे, एक बार आप लोग इस पीडीएफ को रिविजन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपको जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मिलती हैं, यहाँ पे सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर। अब आगे बात करते हैं बच्चों में से स्वयं कार्य। एनसीईआरटी 2005 रचनावाद क्या है, बच्चों स्वयं, बच्चों को खुद से करके, माने करके सीखने पर क्या करना है, बल देना है। किस पर, करके सीखने पर बल देना है। बच्चों के पूर्व ज्ञान, जो बच्चे पूर्व ज्ञान का महत्व देना है, जो बच्चे के पास पहले स्कूल में जब बच्चा आता है तो कोरा कागज नहीं होता, उसके पास एक ज्ञान का पिटारा होता है। हमें उसको सिखाने के लिए हमें उसी के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, उसकी सक्रियता। अभी क्लास में बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। बच्चों के कार्य का अवसर प्रदान करना, जैसे आज एक काम करते हैं, आज चित्र बनाते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं, आज पहाड़ा पढ़ते हैं, माने बच्चों के जो कार्य करने को उन्हें अवसर देना चाहिए। चलो मिट्टी घड़ा बनाते हैं, आप सब लोग एक चाक की तरह एक आकृति बनाओ, तो बच्चों को भी क्या करना चाहिए, कार्य करने के अवसर देना चाहिए।
बच्चे द्वारा ज्ञान का स्वयं निष्कर्ष करना चाहिए, बच्चे खुद से निष्कर्ष निकाल करते, अरे नहीं सर ये तो गलत लग रहा है, अच्छा ठीक हम सही करके ला रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उनको सहयोग करना चाहिए। शिक्षक सहजकर्ता सुविधा प्रदान कर मार्गदर्शक की भूमिका में हो, बच्चे ज्ञान का अन्वेषण या खोज स्वयं करें, बच्चे जो है ज्ञान का अन्वेषण या खोज स्वयं करते हैं, बच्चे समूह में चर्चा करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, बच्चे समूह में चर्चा करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, शिक्षक बच्चों के समक्ष समस्या पैदा करते हैं, शिक्षक बच्चों के समक्ष समस्या पैदा करते हैं और बच्चा क्या करता है उसका हल प्रस्तुत करता है। माने यहां पर बच्चा सक्रिय होगा, शिक्षक निष्क्रिय होगा, यह बाल केंद्रित शिक्षा है। इस प्रकार गणित शिक्षण के जो 15 नंबर आपके परीक्षा में होते हैं वो मैंने बता दिया, वो मैंने पढ़ा दिया। अब इसको पूरी पीडीएफ एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो नोट्स है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, वहां पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, वहां पे ऑफलाइन मोड में टेस्ट है, 5 से ज्यादा लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध हो जाएगा, 10 से अभी तो और बढ़ने वाले हैं। अब हो सकता है आपकी परीक्षा आते थे और उसमें ऐड कर दिया जाए, तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, ऑनलाइन मोड में चाहे दे सकते हैं, ऑफलाइन मोड में पीडीएफ डाउनलोड करके ओएमआर सीट पर आप दे सकते हैं। माने कई प्रकार से आप जिस तरह से चाहें आप परीक्षा की अपनी तैयारी कर सकते हैं। सभी नोट्स एनसीईआरटी पैटर्न पर है। इसके अलावा यदि आपको केबीएस या जैसे अगर केबीएस की नोट्स चाहिए, डी एसएसबी की नोट्स चाहिए, सुपर टेट की नोट्स चाहिए, ये सभी नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त हो जाएंगे। आप वहां से जुड़े रहिएगा, सभी प्रैक्टिस सेट भी आपको यहां पे आसानी से मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद जय भारत। ज्यादा ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। अच्छा लगा क्लास, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्र तक शेयर करिएगा, एक से अधिक बार देख लीजिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अगली जो क्लास होगी उसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, सभी क्लास की लिंक आप सभी को ठीक है टेलीग्राम पर देंगे, सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। थैंक यू आप सभी का। गणित शिक्षा समाप्त होता है, इसके बाद हम एक और शिक्षण लेकर आएंगे, उनको पढ़ेंगे, एक एक करके क्रमवार रूप से सारी चीजों को पढ़ेंगे और आपके उत्तर के अंत तक चलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। अपना बेहतर देते रहिएगा, कोई भी दिक्कत कोई समस्या होती क्लास में पूछेगा, हमेशा हम आपके साथ हैं। आप अपना बेहतर देते रहिएगा, हम भी आपके बेहतर देते रहेंगे। थैंक यू आप सभी का। प्रीवियस पेपर हल कर लीजिएगा, इससे बाहर गणित आपके नहीं आएंगे।